हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज का वीडियो छोटा सा ही है और इंग्लिश के ऊपर है, स्पेशली ग्रामर्स के ऊपर, कि कैसे हमें एडिटोरियल से ग्रामर को सीखना है, कैसे हमने जो ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं एडिटोरियल से। एडिटोरियल से ही क्यों? क्योंकि एडिटोरियल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे एरर फ्री आपको सेंटेंस मिलेंगे, पैसेज मिलेंगे, पैराग्राफ्स मिलेंगे। तो जो भी आपने रूल्स पढ़े हुए हैं वो आप जो चेक करना चाहोगे तो आप कहाँ जाओगे? आप एडिटोरियल के पास ही जाओगे, है ना। तो आज मैं एडिटोरियल से ही करूँगा और मैं ये वीडियो परसों ही ले आता, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, लेकिन वो क्या हुआ पता नहीं, मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो वो बीच बीच में आवाज़ भी चली जाती है, तो मैंने पूरा वीडियो ही फिर वो डिलीट कर दिया था। तो मैंने ये नोट किया कि जैसे मैं कोई साइट पे, अगर जैसे ये वाला मैं एडिटोरियल आपको आज बताऊंगा, तो इस पे अगर मैं कुछ भी टच कर दूँ ना तो आवाज़ चली जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया है, आवाज़ इसकी चली जाती है अगर मैं इस पेज पे जा रहा हूँ हिंदू की वेबसाइट पे, पता नहीं क्या है। तो मैंने पूरा ही आरसी जो है, ये जो वो है एडिटोरियल, मैंने वर्ड में कॉपी कर लिया है। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, है ना। तो यहाँ मैंने कर दिया है पेस्ट, इसको सेम एज इट इज़ है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है इसमें। तो शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि पहला है नोइंग द किलर ऑन दी एस सी ऑन एस सी रेफरिंग डेथ पेनल्टीज़ इशूज़ टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये एस सी जो है इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट, है ना। ऑन एस सी रेफरिंग डेथ पेनल्टी इशूज़ टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जैसे अब मैं पहला सेंटेंस पढ़ूँ, सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन इज़ ए नॉटी प्रॉब्लम इन केसेस रिलेटिंग टू कैपिटल ऑफेंसेस। अगर मैं इस सेंटेंस में अगर हम देखें, अगर इस नॉटी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देखिए आप, प्रॉब्लम क्या है, एक नाउन है। तो अगर उससे पहले जो ये वर्ड है, ये नॉटी लिखा हुआ है, ये क्या होगा, एक एडजेक्टिव होगा। अगर मैं इस एडजेक्टिव को ना पढ़ूँ तो भी सेंटेंस सही मीनिंग देगा। देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन इज ए प्रॉब्लम इन केसेस रिलेटिंग टू कैपिटल ऑफेंसेस, है ना। कोई दिक्कत नहीं हुई अगर मैंने इस नॉटी को नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है, उसके बाद जो वर्ड है प्रॉब्लम, ये नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब किया है एडजेक्टिव ने, जो कि ये नॉटी है, राइट। तो ये जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में या एडवर्ब हम यूज़ करते हैं, ये सेंटेंस की क्लियरिटी को और बढ़ाते हैं। हम क्या, पढ़ने वाला इसको समझ सकता है सेंटेंस को और अच्छी तरह, है ना, कि भाई कैसा प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और मॉडरेट प्रॉब्लम। तो अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस बोल दूं कि इट इज़ ए प्रॉब्लम, तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये प्रॉब्लम कैसी है। और अगर मुझे इसे क्लियरली बोलना है और थोड़ा अच्छा एनहांस करते हुए, ताकि सुनने वाला या पढ़ने वाला और अच्छी तरह समझ जाए, तो मैं क्या करूँगा, उस प्रॉब्लम के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ ए वेरी टफ प्रॉब्लम या मॉडरेट प्रॉब्लम, या फिर मैं बोलूँगा ईजी प्रॉब्लम। तो ईजी, टफ, मॉडरेट, ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू एनहांस दी सेंटेंस, क्लियरिटी और अच्छी बढ़ा करने के लिए, इसलिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अगर लाइन पढ़ूँ, ट्रायल जजेस आर। अब आप देखिए, जजेस सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है जजेस, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपको वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। इसीलिए देखो ऑथर ने आगे आर लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको ये आर। अगर यहाँ सिंगल जज होता, एस ना लगाया होता, जज अकेला होता, तो मैं बोलता इज़, ट्रायल जज इज़ कॉल्ड अपॉन। लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे, है ना। तो इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि हमने जो वर्ब यूज़ किया है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करना ही चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो एरर में काउंट होगा। अब देखो, जैसे मैंने पहली लाइन में बताया था, ये जजेस एक नाउन है, इस नाउन को डिफाइन और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए ट्रायल यूज़ किया हुआ है। तो ट्रायल क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, जजेस को डिस्क्राइब कर रहा है। और सब्जेक्ट वर्ब को अगर देखें तो सब्जेक्ट जजेस है, प्लूरल है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आगे पढ़ूँ, अगर कॉल्ड अपॉन टू मेक ए डिसीजन ऑन वेदर ओनली ए डेथ सेंटेंस विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस और ए लाइफ टर्म विल बी इनफ। अब आप देखिए, जब भी आप इंग्लिश बोलोगे सेंटेंस में, अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि वेदर यू विल कम टू द पार्टी और नॉट, तो जब भी आप वेदर यूज़ करोगे तो आगे जाके सेंटेंस में और ज़रूर आएगा, वेदर यू विल कम टू द पार्टी और नॉट कम टू द पार्टी, और आया।
तो जब भी आप क्वेश्चनिंग के टाइप में जाओगे आप तो वेदर का यूज़ करोगे तो और आगे ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वेदर आया है, वेदर है ना, वेदर ओनली ये डेथ सेंटेंस विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, और ये और आ गया है ना। तो ये आपको नोट करना है, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आगे जाके वो पर्टिकुलर वर्ड ही यूज़ करेंगे, जैसे कि बोथ एंड एंड, राम एंड श्याम, बिटवीन एंड एंड बोथ, ये सब आते हैं है ना। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा आगे, तो कभी आएगा वो सेंटेंस तो मैं आपको बताऊंगा कि बोथ के बाद एंड आता है ना, फ्रॉम के बाद टू आता है, आई विल गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो टू आ गया। तो ये कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, वो आपको याद हो जाएंगे जब आप एडिटोरियल रोज़ पढ़ोगे और नोट करोगे। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको नोट भी करना है, पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लोगे, लेकिन क्या सीखना है, वो क्या समझना है, वो आपको नोट करना पड़ेगा कि इसमें क्या कह रहा है वो, है ना। यही हम गलतियाँ करते हैं, मैं कई बार लोगों से पूछता भी हूँ कि कितनी, मतलब दिन में कितनी बार आप इंग्लिश पढ़ते हो, रीडिंग देते हो, तो बोलते हैं कि हम एडिटोरियल पढ़ते हैं 2 2 घंटे, 1 1 घंटे। और मैं बताऊं आपको, एडिटोरियल इतना छोटा सा है, 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट पढ़ो उसे और फिर उसमें समझो कि क्या कह रहा है वो बस। तो 10 मिनट पढ़ने के, 10 मिनट समझने के, 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना इंग्लिश में, क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट भी तो देखने हैं हमें, है ना। तो मैं आपको बता रहा था ये वेदर वाला, तो वेदर के वेदर ओनली ये इतना इतना और आगे आगे। तो जब भी मैं एरर पढ़ता हूँ ना, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मेक ए डिसीजन ऑन वेदर फलाना फलाना करता हुआ किधर, सीधा मैं वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ पे मुझे वो वर्ड, दूसरा वर्ड चाहिए, तो मैं और पे रुकता हूँ, फिर मैं पीछे का सेंटेंस चेक करता हूँ, पहले ये 2 क्राइटेरिया मीट करवा देता हूँ मैं। और इस वेदर की जगह पे इफ़ भी लगा सकते हो आप, है ना, इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं हम, वेदर भी, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ, एज इतना द सुप्रीम कोर्ट, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके आगे द हमेशा लगेगा, है ना, आपको पता होगा जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके आगे द लगता है, जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो RBI अकेला नहीं आएगा, द RBI आता है, तो ये रूल है, एक आर्टिकल हमेशा लगेगा द सबसे आगे, है ना, कैन बी इम्पोज इतना इतना। अब देखो कैसा, जजमेंट्स प्लूरल आया, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है जजमेंट्स, तो उसके लिए वर्ब क्या आया, हैव, हैज़ नहीं आया है ना। अगर हम सिंगुलर रखते सब्जेक्ट को, जजमेंट अकेला रखते, तो हैज़ लिखता मैं, सब्सिक्वेंट जजमेंट हैज़, लेकिन यहाँ जजमेंट्स हैं इसलिए प्लूरल वर्ब लगा रहा हूँ मैं, हैव, है ना। तो इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट को, सॉरी वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एग्री कराना। तो ये अब देखो जजमेंट कैसे हैं, सब्सिक्वेंट हैं, तो ये सब्सिक्वेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। ऐसे आपको पढ़ना है, सॉट टू बट्रेस दिस प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग दी ग्रूसम नेचर, देखो नेचर कैसा है, ग्रूसम, तो नेचर नाउन हुआ, ग्रूसम एडजेक्टिव हो गया, ऑफ द ऑफेंस मे नॉट बी सोल, इतना इतना इतना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द ऑफेंडर कॉमा हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड आर, अब देखो ये आर आ गया, अब आपके मन में आना चाहिए कि आर क्यों लगाया इसने, ऑथर ने, यहाँ पे इस क्यों नहीं लगाया, तो इसलिए लगाया है क्योंकि तीन तीन सब्जेक्ट हैं आगे, देखो आप, द ऑफेंडर है, हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, फिर एंड लगा के एक और नाउन लगाया है, और वो है हिज स्टेट ऑफ माइंड, तीन चीज़ें हैं, एक ऑफेंडर है, उसका एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और फिर उसका स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए तीन चीज़ों के लिए वर्ब लगा है प्लूरल आर। अगर कोई एक ही चीज़ अगर मेंशन होती तो मैं इज़ लगाता, जैसे कि अगर एक सिंगल सब्जेक्ट यूज़ करता मैं, के सेंटेंस शुरू करता मैं, हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो ए की फैक्टर्स, ऐसा मैं बोलता, इज़ लगा देता, लेकिन कितने तीन आ रहे हैं ना सब्जेक्ट, तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो फिर वर्ब भी प्लूरल। अब ये आर है, प्लूरल है, तो आगे जाके देखो फैक्टर्स आया है, एस नहीं आया, एस लगाया हुआ है ना, आर ऑल्सो की फैक्टर्स, आर है इसलिए फैक्टर्स प्लूरल रखा है, अगर इज़ होता तो अकेला फैक्टर होता, जैसे कि हिज इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज़ ऑल्सो ए की फैक्टर, इज़ होता तो की फैक्टर, आर है तो की फैक्टर्स, ठीक है। ये आपको नोट करते हुए चलना है ना, जब भी आप एरर के क्वेश्चन पढ़ोगे। इन प्रैक्टिस द सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ ट्रायल फलाना ढिमकाना, ठीक है, इट इज़ ऑफन डन ऑन द सेम डे, ठीक है, ये सेंटेंस आगे पढ़ते हैं। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ ए 3 जज बेंच रेफरिंग इतना 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 इतना, इज़, देखो इज़ आया। अब मैं देखो, मैंने, आपने नोट किया होगा, द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ 3 जज बेंच तक मैंने पढ़ा, फिर मैं इतना 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 करता हुआ ऐसा बोला मैंने, इतना 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 इतना, इसका मतलब क्या था, मैं आगे वर्ब ढूंढ रहा था कि वो वर्ब कहाँ है इस सब्जेक्ट की, जो ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर का वर्ब है इज़, ये रहा,
तो ये बीच का जो ये पूरा रामायण लिखा हुआ है उसको अगर ना पढ़ो तब भी सेंटेंस मीनिंग दे देगा। देखो आप, द लेटेस्ट ऑर्डर इज़ ए बिग स्ट्राइड इन ह्यूमनाइजिंग द सेंटेंसिंग प्रोसेस, है ना। अब ऑर्डर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई, इज आई, आर नहीं लगाया है। अगर ऑर्डर्स होता तो आर लगता है यहाँ पे, ए आर ई, है ना। तो आपको ऐसे देखना है कि ये सब्जेक्ट आया, फिर बीच की चीज़ आई आई, तो आपको मन में आना चाहिए कि इसका वर्ब कहाँ है, कहाँ है, किधर है। और ये फैक्ट है और एग्ज़ाम में होता भी है कि ये जो सब्जेक्ट है उसे बहुत दूर जाके कहीं वर्ब दिया जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि एकदम बगल में ही आपका वर्ब मिल जाएगा, वो बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको मेंस में। ज़्यादातर क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट यहाँ है, कहीं दूर जाके उसका वर्ब दे देंगे, उसका सब्जेक्ट वर्ब दे देंगे इज़, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर कैसा है, लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और जब भी ये लेटेस्ट एडजेक्टिव है तो उसके आगे द लगेगा। द क्यों लगेगा, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव यानी गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट क्या हुआ, वो हुआ सुपरलेटिव। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री या वर्ड है तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा, द। तो हम बोलते भी हैं ना कि आई विश यू ऑल दी बेस्ट, द बेस्ट, है ना। तो बेस्ट सुपरलेटिव है इसलिए द लगाया हुआ है। तो लेटेस्ट है, सुपरलेटिव है, तो द लगना ज़रूरी ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो एरर है ये। और लेटेस्ट एडजेक्टिव है तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ऑर्डर को। ऑर्डर एक नाउन है, नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब आगे जाके सिंगुलर लगी हुई है इज़, ठीक है। ये एडिटोरियल मैंने कॉपी किया, फिर यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है ये, ह्यूमनाइजिंग पे लाल लाल, ह्यूमनाइजिंग। अच्छा, ठीक है, इसमें जेड आता है, कोई लोग जेड लगाते हैं इसकी जगह, तो वो भी ठीक है ना, एरर नहीं है ये। हम क्या, इंडिया में 200 साल यूके ने राज किया है ना, तो हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो यूएस का है, तो अमेरिकन इंग्लिश में जेड लगाते हैं, हम लोग एस लगाते हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं। आगे मैं पढ़ता हूँ, सेम डे सेंटेंसिंग हैव बीन अपेल्ड बाय सर्वल जजमेंट विद द सुप्रीम कोर्ट, ऑफन सेइंग वेरी मीनिंगफुल ओपिनियन हैज बीन गिवन टू द इतना इतना द मियर फैक्ट डेट। हाँ, ठीक है। सम हाई कोर्ट्स, देखो सम का मतलब हिंदी में होता है कुछ, कुछ कुछ यानी एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो जो आगे जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो इसने प्लूरल लगाया हुआ है, देखो सम हाई कोर्ट्स। अब कोर्ट्स प्लूरल है तो आगे हैव लगाया है ना, हैज़ नहीं लगाया, सिंगल कोर्ट होता तो हैज़ लगाते वो, है ना। तो सम हाई कोर्ट्स हैव, अगर सिंगुलर होता तो सम हाई कोर्ट हैज़ गिवन ए चांस, राइट। तो ये इसे हम कहते हैं ना, सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हुए चलना है, एग्रीमेंट। गिवन ए चांस टू कन्विक्स टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स कैसे हैं, मिटिगेटिंग, तो मिटिगेटिंग क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। अब आपको ये अगर डाउट लगे ना कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो आप गूगल कर लिया करो, मिटिगेटिंग जैसे एडजेक्टिव होना चाहिए, मिटिगेटिंग मीनिंग, देखो है ना एडजेक्टिव, ये दिख रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो आप मतलब सही जा रहे हो कि ये जो मिटिगेटिंग था वो एडजेक्टिव है, तो ये फैक्टर्स आपका नाउन है ना। सो डैट द इनवोकेटिव इतना 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 डज नॉट मैटर। एक चीज़ और है, डज और डू के बाद क्या लगाना है हमें, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मैं आपको अगर आगे आया सेंटेंस में तो बताता हूँ मॉडल वर्ब के बारे में। प्रेजेंटली थिंकिंग हावर इज इतना, दैट कोट मस्ट, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, आपको बता देता हूँ मैं। जो भी मॉडल वर्ब्स आएंगे ना, उनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर मतलब बैर इन्फिनिटिव वर्ब आएगी, मतलब उस वर्ब के साथ एस ई एस नहीं आएगा। जैसे कि ये मस्ट एलिसिट, एलिसिट एक वर्ब है, तो एस नहीं लगाया है यहाँ पे, है ना। मस्ट एक मॉडल वर्ब है इसलिए बैर इन्फिनिटिव वर्ब लगाया है विदाउट एनी एस और ई एस। मस्ट एलिसिट रिपोर्ट्स फ्रॉम इतना इतना एंड इवन ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट टू एक्सेस द मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन फेवर ऑफ इतना इतना। द बेंच हैज ऑल्सो रेज द क्वेश्चन एज टू द स्टेज एट विच द मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर टू बी प्रेजेंटेड, इट हैज़ नोटेड दैट द इतना टिल्टेड एज इट ओनली कन्विक्शन, ठीक है ये। दे आर एबल टू स्पीक द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट्स इट्स केस फ्रॉम बिगनिंग ऑन हाउ हीन इज द क्राइम। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, देखो मे आ गया, मैं एक मॉडल वर्ब है, तो देखो उसके आगे जो कम आया है उसके साथ एस वैस कुछ नहीं लगाया हुआ है, सिंगल मतलब सिंपल है, बैर इन्फिनिटिव वर्ब लगा हुआ है मे के बाद। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई मॉडल वर्ड आता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, बैर इन्फिनिटिव होगी, उसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगेगा,
भले सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी। गाइडलाइंस अंडर विच द ट्रायल इतना थम्सअप कैन, देखो कैन भी एक मॉडल वर्ड है तो उसका होल्ड लगा हुआ है ना, होल्ड्स नहीं लगाया हुआ है ना। कोट्स की बात है तो होल्ड्स आना चाहिए था, लेकिन जब मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ड आ गया कैन, तो फिर होल्ड अकेला ही आएगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट टू फैक्टर रिलेटेड टू इतना इतना। ठीक है, तो यही था अपना आरसी खत, ये क्या आरसी बोल रहा हूँ, एडिटोरियल ख़त्म हो गया। तो अब देखिए ये एक एडिटोरियल है और द हिंदू में दो आते हैं, तो आप इसको हार्डली 10 मिनट्स में ख़त्म कर सकते हो, और 10 मिनट और दे दो आप, कि जैसे आज आपने नाउन पढ़ा है तो नाउन के रूल्स आप देख लो कि भाई आज के एडिटोरियल में नाउन चेक करता हूँ, सिर्फ नाउन, कि ये प्लूरल नाउन है, ये फलाना नाउन है, ये होते हैं ना बहुत सारे नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन, ये नाउन, तो वो आप सिर्फ नाउन को चेक करो एडिटोरियल में, तो 10 मिनट पढ़ने के, 10 मिनट चेक करने के, 20 मिनट में आपका हो जाएगा, है ना। ऐसे आप रोज़ करो हर एक रूल के लिए, आज नाउन, कल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का देखो आप, परसों आप टेंसेस को चेक करो, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको हैबिट में आएगा पढ़ना, कि कैसे मुझे एरर देखते हुए चलना है, तब ये आपको मॉक में हेल्प करेंगे। और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे पता है ये चीज़ें करना ज़रूरी है, और कोई भी ये बताता नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को तो ज़रूर से ज़रूर ये आना ही चाहिए, तभी वो आगे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। और ये यही चीज़ कोई बताता नहीं है कि कैसे हमें पढ़ना है एडिटोरियल को, कैसे हमें ग्रामर को चेक करना है, क्या हमें देखने हैं पंचुएशन मार्क्स, जैसे कि इसमें अभी पंचुएशन एरर नहीं आती है एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम में भी लिख के देते हैं कि इग्नोर दी पंचुएशन मार्क्स, तो जैसे कॉमा है वो पंचुएशन में आता है, कॉमा है, फुल स्टॉप है, तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ कॉमा है ना तो यहाँ हटा देंगे वो एग्ज़ाम में, तो जब आप पढ़ोगे सेंटेंस, तो मैं जैसे पढ़ा एंड्स ऑफ जस्टिस और ए लाइफ, तो क्या होता है कि मीनिंग समझने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप अगर कॉमा है तो आप जब कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो कॉमा के बाद रुकोगे थोड़ी देर, है ना, अगर कॉमा नहीं होगा तो सीधा सीधा पढ़ते जाओगे, तो क्या मीनिंग समझ में नहीं आ पाता। तो ये लोग जानबूझ के एग्ज़ाम में भी कॉमा पंचुएशन मार्क्स हटा देते हैं और फिर लिख देते हैं इग्नोर दी पंचुएशन एरर, तो ये आपको पढ़ने का एक टेक्निक भी है ये, ताकि आपको सेंटेंस और अच्छी तरह समझ में आए कि क्या कह रहा है वो। ये चीज़ जैसे कि कई लोग मुझे कह रहे थे कि वोकैब के लिए बताइए, तो मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा टाइम तो आपको सेंटेंस की मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम नॉटी है, नॉटी प्रॉब्लम, तो एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम अगर मैं सेंटेंस पढ़ूँ, सेंटेंसिंग आफ्टर कन्विक्शन इज़ ए नॉटी प्रॉब्लम इन केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, ऑफेंस की बात हुई है, प्रॉब्लम की बात हुई है, यानी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, अब प्रॉब्लम कैसी होगी, कॉम्प्लेक्स होगी ना। अब ये वर्ड जो नॉट है, नॉट को हम हिंदी में बोलते हैं गांठ, गांठ, गांठ कैसी होती है, उलझी हुई होती है, तो नॉटी प्रॉब्लम यानी उलझी हुई प्रॉब्लम है। आप ऐसे इसको मेकआउट कर सकते हो कि हाँ इसका मीनिंग ये होना चाहिए, नॉटी का मतलब ये होगा कि बड़ा दुविधा वाली दिक्कत है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है ये, आप ऐसे इसको आइडिया लगा सकते हो, है ना। ये था, और मैं आपको आज एक ईडियम बताता हूँ, ईडियम का मीनिंग मुझे बताइए, मीनिंग चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, मैंने परसों एक एडिटोरियल पढ़ा था उसका ये था, हाँ यही था, मैंने निकाल के रखा था। अब ये देखो पहला, हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, इसका मीनिंग आप बताइए, हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, ईडियम का मीनिंग क्या होता है, मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि वो आवाज इनकी दिक्कत ना आए। ये है इडियम, हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, इसका मीनिंग आप, मैं बताऊं कि आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, मैं बता देता हूँ, एक और इडियम पूछता हूँ उसका मीनिंग बताइएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसका मीनिंग, सबसे पहले इडियम या प्रोवर्ब जो होते हैं उसका लिटरल मीनिंग नहीं होगा, वो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं, है ना, बोलते हैं ना कि मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई बिल्ली है जो मुझे म्याऊं कर रही है ना। तो इंग्लिश में भी ऐसा है, बटरफ्लाई लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि कोई तितली है यहाँ पे, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, मतलब कोई आसान काम जो करना है आपको, तो आसानी से जो कोई काम हो सकता है उसके लिए भारी भरकम काम क्यों करना हमें, मतलब जैसे कि किसी को मारना है, जैसे यहाँ मैं बताता हूँ इसका लिटरल मीनिंग, जैसे कोई तितली है, तितली को अगर आपको मारना है तो आप उसको हाथ से मसल सकते हो, तुरंत आसानी से मर जाएगी वो, लेकिन आप बोलो कि नहीं इस तितली को मारने के लिए मैं सुपारी दूंगा,
है ना, बंदूक से गोली से मारूंगा, तो तभी ये बोला गया है कि जब तितली को हाथ से मार सकते हो तो फिर बंदूक की ज़रूरत क्या है। मतलब कोई काम आसानी से हो सकता है तो फिर उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल क्यों बनाना। तो यही बोला है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, ये जो व्हील है ना, व्हील पे लोगों को चढ़ा के मारते थे, मार डालते थे। तो मारने के लिए ये व्हील यूज़ किया जाता था, मतलब उनको पहिए में बांध देते थे और फिर रोड पे चलाते थे, तो वो मर जाते थे इंसान लोग जो भी। तो वो किसी को मारना है तो हम व्हील का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे बोला है कि बटरफ्लाई को मारने के लिए हम तो ना उसको व्हील के ऊपर फेंकेंगे, है ना, व्हील के ऊपर बांध देंगे। तो यही पूछा है कि हु ब्रेक्स ए बटरफ्लाई अपॉन ए व्हील, ये है इसका मीनिंग, राइट। अब जो मैं एक और इडियम पूछ रहा हूँ आपसे, उसका मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। मैं लिखता हूँ, टाइप करता हूँ। ठीक है, ये है इडियम, बॉब इज़ योर अंकल, बड़ा कर देता हूँ मैं। बॉब इज़ योर अंकल, ये एक ईडियम है गाइस, और पता है ये IBPS PO मेंस में एक बार आ चुका है। तो इसका आप मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना। कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताइए और ग्रामर कैसे हम एडिटोरियल से सीखें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो थोड़ी बहुत आपको मदद मिली हो इस वीडियो से, है ना, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस। देखो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और आप देख रहे हो कि आपने देखे भी होंगे मेरे लाइव मॉक जो है, मैं इंग्लिश में ठीक ठाक कर लेता हूँ, क्वांट में मेरे इतने अटेम्प्ट नहीं हो पाते, कभी अच्छे हो जाते हैं कभी नहीं हो पाते, है ना। तो मैं भी स्ट्रगलिंग ही हूँ मैं भी, लेकिन ये है कि मैं प्री क्लियर करता रहता हूँ, 2 बार मैंने मेंस दिए हुए हैं, तो मुझे आइडिया लग गया है कि ऐसा ऐसा होता है, और मैं भी एक ग्रो कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो इंग्लिश में मुझे पता है, मैं ज़रूर आपको डेफिनेटली आपको मदद करना चाहता था, और इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करना शुरू भी किया। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों बच्चों को, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।